रहमान रहीम, आज डिज़ाइन टैब से आखिरी ग्रुप पेज बैकग्राउंड ग्रुप से आखिरी दो कमांड पेज कलर और पेज बॉर्डर पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम वाटरमार्क पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारे पेज कलर, ठीक है। पेज कलर आप लोगों का बैकग्राउंड कलर चेंज करवा देगा। आप कोई भी कलर यहाँ से कलर तीन में से कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह स्टैंडर्ड कलर में भी आप ले सकते हैं। लेट्स से मैं डार्क ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँगा, यहाँ पे चेक करें आप लोगों के पास बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू हो गया, लेकिन टेक्स्ट फॉन्ट जो कलर जो आप लोगों के पास है वो ऑटो था, उसी वजह से ब्लू बैकग्राउंड की वजह से ये वाइट कलर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे पेज ब्रेक भी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एंटर से मैं पेज ब्रेक करवा रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज भी आप लोगों का कलर वही डार्क ब्लू आ रहा है, ठीक है। सो ये था, ये याद रहे कि ये बैकग्राउंड कलर आप लोगों का मींस प्रिंट में इस तरह नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से इसका मैं प्रिंट आउट निकाल देता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू कर देता हूँ यहाँ से, तो आप चेक करो तो आप लोगों के पास उसी तरह वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जस्ट फॉर डिस्प्ले के लिए है, ठीक है। सिर्फ डिस्प्ले इस तरह होगा, प्रिंटिंग में ये हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास बैकग्राउंड कलर, ठीक है, पेज कलर आप लोगों के पास आ रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ से मज़ीद अगर ये कलर वापस ख़त्म करना चाहते हैं तो नो कलर कर दे, ठीक है, नो कलर कर दे, ये वापस आप लोगों के पास ऑटोमेटिक उसी तरह डिफ़ॉल्ट वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप मोर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से स्टैंडर्ड कलर, ठीक है, इसी तरह कस्टम कलर भी आप ले सकते हैं। हमारे पास न्यू और करंट ये, अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कलर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू से भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड कलर में भी कोई कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं कैंसिल करवा रहा हूँ। इसी तरह बैकग्राउंड पेज कलर पे आप लोगों के पास मज़ीद ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, मोर कलर के अलावा कलर फेल इफेक्ट्स भी है आप लोगों के पास। यहाँ से आप, ठीक है, मुख्तलिफ वन कलर है, इस तरह आप टू कलर ले सकते हैं, एक कलर ये हो दूसरा कलर आप खुद सेलेक्ट कर दें, ठीक है। इस तरह लेट्स से मैं येलो कर देता हूँ तो एक कलर ये होगा ये, ठीक है। फिर उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायगनल वाइज करना चाहते हैं ये, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से आप अपना कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, या ये भी कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद मैं फेल कलर में ये आप लोगों के पास टेक्सचर से भी आप टेक्सचर कोई भी मार्बल टाइप का वो टेक्सचर आप ले सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओके कर दें, ये सही है, टाइपिंग उसी तरह होगा, सही। इसी के अलावा मोर बल्कि फेल इफेक्ट में आप आके यहाँ से आप पैटर्न भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पैटर्न हो आप लोगों का ये यहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरह आप पिक्चर भी ला सकते हैं, मसलन मैं पिक्चर लाना चाहता हूँ तो अपना कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर दे, चलो मैं सेलेक्ट पिक्चर पे कर देता हूँ और यहाँ से मैं प्रोफाइल, ठीक है, और डेस्कटॉप पे चलो कोई भी पिक्चर, यहाँ से मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ, तो ये आप लोगों के पास पिक्चर भी आ रहे। अच्छा, पिक्चर यहाँ से ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि पिक्चर आप लोगों का प्रिंट आउट में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। इसको अगर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ ये चेक करें, ठीक है, प्रिंट में ये नहीं होगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि वाटरमार्क में भी हमने पिक्चर इंसर्ट किया था, ठीक है, वाटरमार्क और इसमें क्या डिफरेंस है? वाटरमार्क और इसमें डिफरेंस यही है कि वाटरमार्क पेज के बैकग्राउंड पे कुछ आप पैटर्न ऐड करवा देते वो प्रिंट में आएगा, जबकि पेज कलर प्रिंट में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, पिक्चर को रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करो, यहाँ पे आके नो कलर कर दे।
हमारे पेज बॉर्डर की तरफ, ठीक है। पेज बॉर्डर आप लोग अपने पेज को अगर बॉर्डर देना चाहें तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोगों के पास ये बॉर्डर एंड शेड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से इस वक्त नो बॉर्डर है, ठीक है। ये आप लोगों के पास मुख्तलिफ पैटर्न्स है, आप चेक करें, बॉक्स हो, शेडो हो, ठीक है। ये यहाँ पे प्रीव्यू में आप चेक करते जाए, थ्री डायमेंशन हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी वो कर सकते हैं। लेट्स से मैं बॉक्स ले रहा हूँ, बॉक्स में फिर आप नेक्स्ट बॉर्डर स्टाइल्स, ठीक है, पेज बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे ये, ठीक है, डॉट डॉट वाला हो, ठीक है, कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोगों के पास मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ बॉर्डर अवेलेबल है, कोई भी बॉर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर अगर आप लोग चेक करो, ठीक है, ये शेडो आ रहे, ठीक है, शेडो पे क्लिक करने से शेडो आएगा। इसी तरह ये थ्री डायमेंशन कस्टम आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं सिंपल ले रहा हूँ, और यहाँ से फिर आप बॉर्डर कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करके ये चेक करें, बॉर्डर कलर फिर इस तरह होगा, ठीक है। मैं ऑटो कर देता हूँ, ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर ख़त्म या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये टॉप बॉर्डर है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टॉप बॉर्डर ख़त्म होगा, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बॉटम, सही है, इसी तरह लेफ्ट साइड, ठीक है, और राइट साइड वाला बॉर्डर, ठीक है। ये आप पेज बॉर्डर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ रहा है कि होल डॉक्यूमेंट, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सेक्शन ब्रेक वगैरह, ठीक है। उसमें आप दिस सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन के लिए, ये सेक्शन ब्रेक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसका वर्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास मुख्तलिफ इसके वर्थ को मगर मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेट्स से ये, सही है। अच्छा, इसी तरह लेट्स से, चलो इसको मैं पहले अप्लाई कर देता हूँ, फिर बाद में आ रहा हूँ। ये आप लोगों के पास पेज बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप प्रीव्यू करोगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा आप लोगों के पास मज़ीद ऑप्शन है। अगर इसको मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ पेज बॉर्डर को, तो यहाँ पे फिर क्या करूँगा, नन करके ओके कर देता हूँ, तो ये आप लोगों के पास ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा पेज बॉर्डर पे आ रहा हूँ, और यहाँ से आप लोग ये वर्थ वगैरह हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आर्ट की तरफ आ रहे हैं। आर्ट ये है कि अगर आप लोगों के पास, जिस तरह आप लोगों ने सर्टिफिकेट में देखा होगा, पेज बॉर्डर्स अक्सर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास मुख्तलिफ आर्ट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, इनमें से कोई भी आर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा जल्दी जल्दी मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। कोई भी बॉर्डर यहाँ पे अगर आप लोग चेक करिए, आप लोगों के पास वो सर्टिफिकेट्स वाले आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी बॉर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से इसको मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। इस तरह लेट से अगर इसका वर्थ थोड़ा सा कम नज़र आ रहे तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप लोग प्रीव्यू को चेक करें, ये आप लोगों को वहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसको मैं 25 या 26 ले रहा हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको चेक करें, ये तकरीबन आप लोगों का सर्टिफिकेट बॉर्डर की तरह आप लोगों के पास नज़र आ रहा है। इसमें आप लोग कोई भी सर्टिफिकेट स्टाइल्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप चेक करो, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास पेज बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें मज़ीद ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शन, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ऑप्शन पे आप लोगों के पास ये मार्जिन्स आ रहे हैं कि टॉप मार्जिन क्या हो, ठीक है। 23 आवर इसको यहाँ से इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस लेफ्ट साइड, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास मुख्तलिफ आप लोगों के पास, इसी तरह मेजरमेंट की बात हो रही है, मेजरमेंट फ्राम ये एज फ्राम द पेज, ठीक है, पेज एज से कितने पास ले पो, ये जो आप लोग इस तरह आप इसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, टेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ठीक है, प्रीव्यू में। इसको मैं अगर मैं टेक्स्ट से करूँगा तो ये टेक्स्ट से फिर ये मेजरमेंट का कहा जाएगा। इसको अगर मैं अभी कम करवा देता हूँ बॉटम का, ठीक है, तो ये आप चेक करें, ये ज़्यादा और बॉटम का अभी यहाँ पे यहाँ ये डिस्टेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे, इसको एज का कर देते हो, तो फिर ये एज से, पेज एज से काउंट होगा, ठीक है। सो इसमें आप लोग ये याद रखें।
था आप लोगों का पेज बॉर्डर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।